हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवेंथ का मैथ्स चैप्टर, हमारा पेरीमीटर यानी कि परिमाप एवं क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पे हम पढ़ रहे थे वृत्त यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकाला जाता है, परिधि हम कैसे निकालते हैं और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, एरिया कैसे निकाल। तो कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे, कुछ और क्वेश्चंस आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। देखिए इसका आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन 9 है। यहाँ पे क्वेश्चन अर्ली टू वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर आजली को क्या कर ली आयर उसने लिया क्या उसने लिया पति एंड बेंच और इस क्या किया सर्कल के सिर्फ एंड किया और बनाया आर्क फाइंड द रेडियस करना है आल्सो फाइंड इट का एरिया निकालना आयर से क्या काम किया उसी पायर से तो बनाया किस पायर का पाला है कर रहे हैं पायर की हम साइड निकालनी है कि उस अंदर में से कौन सा है वो ज्यादा एक राजली ने लंबा एक आर्म लिया आर्म में मोड़ क्या है वो निकालनी है उसका क्षेत्रफल भी हमें निकालना है और उस तार को फिर आकार में मोड़ दिया भाई में तो ये भी बतानी है आकृति अधिक क्षेत्र यहाँ पे आपको पाई का मान क्या हम आ गया है यहाँ पे ये तो आपके पास एक वायर था साथी वायर की जो है सेंटीमीटर इस फायर से साजली ने क्या किया तो बेंड किया सर्कल बनाया अब इस सर्कल की अभी निकालना है सर्कल पास साजली फायर को और फायर का साइड बनाया और उस वर्ग का अब आपको साइड बताया वर्ग की साइड है कितने सेंटीमीटर और कितना इसने एरिया कवर बाद हमें ये बताया एरिया ज्यादा जिस कवर किया और इसी वायर कल बना वायर से सर्कल बनाया गया वायर से बना हुआ है तो इसकी सर्कमफ्रेंस भी 44 सेंटीमीटर ही आएगा तो हमें यहाँ से सर्कमफ्रेंस गिवन है कि हम जानते हैं कि 44 आएगा इसी वायर को हमने बेंड किया है उसके तो सर्कल बनाया है सर्कम की परिधि सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है यहाँ यहाँ पे आप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr वृत्त का सर्कम फ्रेंस क्या होता है वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr यहाँ पे इनटू पाई का मान 22/7 लेना और r आपको गिवन नहीं यहाँ पे आपके पास यहाँ से इसको
ट्रांसपोज करेंगे आर इज इक्वल आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 40 2 से मल्टीप्लाई करके 4 से 40 आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आर हमने निकाल लिया है, पहले हमें क्या निकालना था, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, हमें उस सर्कल की रेडियस निकालनी है। ऑल्सो फाइंड इट्स का एरिया हम निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई आपका सर्कुलर कार्ड शीट है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस 14 सेंटीमीटर के सर्कल से हमने दो सर्कल काट लिए हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, और एक रेक्टेंगल भी हमने वहां से निकाल लिया है। कैसे ज्यादा समझ में आएगा, तो इसके लिए हम पहले एक 14 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, तो ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। लेट सपोज कि यहाँ पे इसका सेंटर है और सेंटर से इसकी रेडियस जो है वो आपकी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे दो जो आपके सर्कल हैं जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है को रिमूव किया गया है, यहाँ से निकाल लिया गया है, ये दो सर्कल हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, इन दोनों सर्कल की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस बड़े सर्कल से दो छोटे सर्कल निकाल लिए गए हैं, ठीक है, के बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है, एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, और एक रेक्टेंगल भी यहाँ से ले लिया गया है, रेक्टेंगल को भी निकाल लिया गया है, इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इसकी 1 सेंटीमीटर है, इस तरह का होगा ये, तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इनको काट करके अलग कर दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, यानी कि यहाँ से दो सर्कल ये निकाल दिए गए 3.5 सेंटीमीटर के और एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और इस रेक्टेंगल को काट लिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, जो बचा हुआ पार्ट है इस सर्कल के अंदर उसका हमें एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा इसका एरिया, इसका एरिया आप कैसे निकाल लेंगे, पहले तो हम कंप्लीट जो आपके पास सर्कल है इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालेंगे, इन दोनों सर्कल के एरिया हम निकाल लेंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लेंगे, और कंप्लीट सर्कल के एरिया में से आप इनको सेक्शन करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग आपके पास बची हुई सीट है उसका तो आपके पास एरिया निकल जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें रेक्टेंगल का और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जय श्री मदन नेगी से, आपको आ रही आवाज, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मैम? यस मैम। ओके, तो माइक ले लीजिए, कोई बच्चा अपना नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम रुपेश है।
रुपेश, रुपेश आपको समझ में आया हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? हमारी परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। यहाँ पे हम किसका परिमाप निकाल रहे हैं बच्चे? 14 का। 14 का। ये एक सर्कल है, एक वृत्त है, क्या है आप इसको परिमाप कहेंगे या कुछ और कहेंगे? वृत्त का परिमाप निकाला जाता है क्या? वृत्त हाँ जी, अगर मुझे इस वृत्त का चारों तरफ की जो ये जिससे ये वृत्त बना है इसको मापना हो, इसका मेजरमेंट करना हो, तो मैं क्या कहूंगी बच्चे? यहाँ पे वृत्त का परिमाप कहूंगी। परिमाप कहा जाएगा क्या वृत्त के लिए? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, वृत्त का परिमाप आप कह रहे हैं, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि निकाली जाती है, ठीक है? चलिए, वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला बताइए कोई बच्चा। बेटा यहाँ पे अगर मुझे किसी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या जानते हैं ना आप? त्रिज्या जानते हो आप? तो सेंटर कहा जाता है किसी वृत्त का, किसी सर्कल का सेंटर कहा जाता है। सेंटर से आप किसी लाइन वृत्त पर कोई लाइन खींचेंगे, त्रिज्या कहा जाएगा, कहा जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वृत्त की आप परिधि कैसे निकालते हैं, इसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और इसका एरिया कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आता है किसी बच्चे को? आपकी क्लास में आता है, यस और नो? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? ठीक है, वृत्त की परिधि यानी कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर। ठीक है, पाई का मान या तो आपको क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे यहाँ पे 22/7 दे रखा है, अगर आपको नहीं दिया जाता है तब भी आपने 22/7 ही लेना है। कहीं कहीं पाई का मान 3.14 दिया जाता है, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको पाई का मान क्या लेना है। आर इसकी रेडियस यानी क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से आप किसी वृत्त पर कोई लाइन खींचेंगे तो वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है? और इस पूरे, अगर इस लाइन को मैं पूरा खींचूं तो ये इसकी व्यास होगा, इसका डायमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक है? और अगर आपको ये पता नहीं है इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं, इनको लिख लीजिए, ठीक है? इंग्लिश में लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और नीचे लिखेंगे आप एरिया ऑफ सर्कल। तो वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है, इसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकाला जाता है? 2πr। r यहाँ पे आपकी रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, और पाई का मान आपको गिवन होगा। तो यानी कि जब आपको परिधि निकालना हो तो आपको r तो चाहिए ही चाहिए, r आपके पास होना चाहिए। यदि आपको r ना दिया हो, d दिया हो, d यानी कि व्यास, ये वाली लंबाई होती है इसकी व्यास, पूरी लंबाई को व्यास कहा जाता है। और इस व्यास को जब हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो ये आपकी त्रिज्या निकल जाती है, आर निकल जाता है, ठीक है? तो अगर व्यास दिया हो तो आप क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड करके त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार सीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक बड़ा सा वृत्त, एक बड़ा सा यहाँ पे आपको सर्कल दे रखा है, इसकी रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आपको जब फॉर्मूले याद नहीं है तो इन क्वेश्चंस को तो आप कैसे कर पाओगे? ध्यान दीजिए, ठीक है? बड़े से सर्कल से यहाँ पे दो छोटे छोटे सर्कल को काट लिया गया है, ठीक है? तो रिमूव किया गया है, यहाँ से अलग कर दिया गया है, और इन सर्कल
है 3.5 सेंटीमीटर और दोनों की 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर के दो सर्कल यहाँ से निकाल लिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल भी निकाला गया, यानी कि एक आयत भी निकाला गया, और इस आयत का मेजरमेंट कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ है, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर जो बचा हुआ क्षेत्रफल और बचा हुआ एरिया है, ये हमें बताना है कि कितना एरिया अब इस वृत्त के अंदर बच गया है। इसको निकालने के लिए पहले तो हम पूरे वृत्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितना इसने एरिया कवर किया है, बाद इन दोनों का क्षेत्रफल भी निकालेंगे और इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, सबका एरिया निकालेंगे, और बड़े वृत्त में से हम क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे जो रिमूव हुआ है, जो बचा हुआ सीट है, उसका यहाँ पे क्या एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आप सॉल्यूशन में एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, यानी कि बचे हुए सीट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कंप्लीट सीट, यानी कि बड़े वृत्त का, आप हिंदी में भी लिखेंगे इसको, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल माइनस में, देखिए ये दो बराबर के हैं तो इनको मैं टू टाइम्स कर लेती हूँ, टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, क्या माइनस में एरिया ऑफ टू सर्कल, फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब कंप्लीट का क्या है, का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर ले लेती हूँ, माइनस में देखिए दो यहाँ पे क्या है आपके छोटे छोटे वृत्त हैं, लेट सपोज कि इन दोनों का जो एरिया है वो आर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2r², ठीक है, और माइनस में रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है, तो बड़े वृत्त का पाई का मान हमें 22/7 लेना है, मल्टीप्लाई बाय बड़े वृत्त का कितना है 14 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और इनका क्षेत्रफल कितना है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ठीक है, माइनस में L कितना है यहाँ पे 3 और B कितना है 1, ठीक है। अब इसको काटेंगे 7 × 2 = 14, 3.5 को जब आप 2 टाइम्स काटेंगे तो वो 7 आएगा, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा और इस 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 22 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 28 से, 14 × 2 = 28 माइनस में 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5 और माइनस में ये आ जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 616, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग माइनस में 77 और माइनस 3, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस माइनस का, तो यहाँ पे मैं इसको इधर कर लेती हूँ 616 माइनस में, यहाँ पे देखिए माइनस का 77 है और माइनस का 3 है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 80 माइनस 80, ठीक है, और इसको जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 536, ठीक है, और एरिया निकाल रहे हैं ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे तो इन क्वेश्चंस पे आपकी कमांड नहीं होगी, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप तभी करें, पहले आप बेसिक
जो आपके फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। आपके जो पहले क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कराए थे वहां पे बेसिक फॉर्मूलों पर बेस्ड आपके क्वेश्चन थे, तो उनको सॉल्व कीजिए पहले। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन पे तभी कमांड होगी जब आप बेसिक फॉर्मूलों को अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने वृत्त की परिधि और इसके क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनके बेसिक फॉर्मूलों को याद कर लें और इसके जो बेसिक क्वेश्चन हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये सॉल्व कराए थे, आप इनकी घर में प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस की आगे इनको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो आप इनको घर में इनकी जरूर प्रैक्टिस करें, इनके फॉर्मूलों को लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक थैंक यू।